हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल दैट इज सीरियल स्टूडियो। आज मैं आप सबके सामने एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैंने सोचा ये मैं चीज़ आज बना ही रही हूँ तो क्यों ना ये वीडियो आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो आज मैं बना रही हूँ स्पाइस्ड बटर मिल्क। ये एकदम प्योर ऑथेंटिक केरला स्टाइल बटर मिल्क है। ऐसे केरला स्टाइल बटर मिल्क बोला जाए तो बहुत सारा तरीका होता है, बट हम जिस तरह से बनाते हैं केरला स्टाइल बटर मिल्क, वह मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। बटर मिल्क हम इंग्लिश में बोलते हैं, छास हम हिंदी में बोलते हैं, कहीं इसे सम्बारम भी बोला जाता है केरला में। तो चलिए देखते हैं कि बटर मिल्क बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राइट साइड में एक लोगो देख सकते हो, लोगो पे क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर और ज़्यादा पसंद आए तो कॉमेंट भी कर देना, और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करके मेरा सपोर्ट भी करना। तो चलिए देखते हैं हमें स्पाइस बटर मिल्क बनाने के लिए केरला स्टाइल के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक कप दही लिया है जिसे मैंने ब्लेंडर में डालकर पतला कर दिया है क्योंकि हमें छाछ बनाना है। मैंने एक कप दही में लगभग एक से डेढ़ कप पानी यूज़ किया है, तब जाके वो लिक्विड फॉर्म में आए हैं। आप हमें छाछ बनाना है तो छाछ तो अक्सर लिक्विड फॉर्म में होता है, बट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको इसे कितना पतला रखना है, क्योंकि छाछ जो है एकदम पतला फॉर्म में होना चाहिए, पानी वाला फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा छाछ तो रेडी है, बट इसके अंदर हमें बाकी चीज़ें भी डालना है। जैसे कि हम यूज़ करेंगे करी पत्ता। करी पत्ता मैंने यहाँ पे लिया है, और मैंने यहाँ पे मद्रास अनियंस लिया है, इसे इंग्लिश में शैलट्स भी कहा जाता है। ये अनियंस जो है आपको कोई भी केरला स्टोर में इजीली अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको। इन केस अगर आपके पास ये छोटा प्याज, छोटा अनियन, स्मॉल अनियंस आपके पास नहीं है तो आप आपका नॉर्मल प्याज जो मिलता है वो भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक आधा इंच अदरक लिया है जिसे मैंने बारीक कट करके रख दिया है, और मैंने एक मिर्च लिया है क्योंकि मुझे तीखा थोड़ा कम रखना है। आप तीखा आपके हिसाब से रख सकते हो। इन सबको मैं एक स्टोन ग्राइंडर में स्मैश कर दूंगी, और फिर उसके ये सब चीज़ को मैं मिक्सर में मिक्स कर दूंगी। इसी के साथ मुझे थोड़ा स्पाइसेस भी चाहिए, स्पाइसेस और कुछ नहीं। मैंने यहाँ पे नमक लिया है, स्वाद अनुसार मुझे डालना है। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर लिया है, पेपर पाउडर मैंने लिया है, और चाट मसाला जो इसका फ्लेवर थोड़ा और एनहेंस कर देगा, और है मेरे पास कोथमीर के पत्ते, धनिया के पत्ते जिसे मैं गार्निश के तौर पर यूज़ करूँगी। तो चलिए देखते हैं स्पाइस बटर मिल्क बनाते कैसे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने स्टोन ग्राइंडर में इसको सबको स्मैश कर दिया है। अभी यही चीज हम इसमें मिक्सर में डालेंगे। ये पूरा स्मैश नहीं हुआ है, सेमी स्मैश ही हुआ है, तो बाकी जो है मिक्सर में जाके अपने आप वो मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे गया हमारा सब स्मॉल अनियंस, करी पत्ता, अदरक, सब मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। अभी हम इसे मिक्सर में चलाएंगे। उसके पहले हमें एक और चीज़ डालना है, वो है नमक। नमक हमें स्वाद के अनुसार डालना है, और मैं धनिया के पत्ते भी डाल देती हूँ। जाएगा हमारा चाट मसाला और काली मिर्च का पाउडर। अब इसे मिक्सर में आपको पूरे टाइम में चलाना है, जस्ट दो बार मिक्सर में चला दिया और तुरंत ही आपको स्टॉप करना है। ज़्यादा देर तक आपको चलाना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारा छाछ जो है वह पतला हो चुका है। हमें सिर्फ बाकी का चीज़ जो है उसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, तो लगभग 10 सेकेंड तक आपको चलाना है बस। तो चलिए इसे मिक्स करा के आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है छाछ रेडी होकर आया है, इसे ओपन करके देखते हैं। लगभग इसे 5-10 सेकेंड के लिए मैंने चलाया है 3 राउंड में। तो यहाँ पे हमारा छाछ रेडी है, देखिए आपको जाग भी आ चुका है अच्छे से। इसे अभी हमें ट्रांसफर कर देते हैं एक बॉल में। तो हमारा छाछ यहाँ पे रेडी है, इसे अभी हम एक ग्लास में सर्व कर लेते हैं। गार्निश के तौर पे मैं इस पे थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देती हूँ, और यहाँ पे हमारा छाछ का ग्लास जो है वो रेडी है सर्व के लिए। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया। तो इस तरह से हमारा इजी सिंपल बटर मिल्क का रेसिपी एंड होता है। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरा सपोर्ट भी करिए, सीरो स्टूडियो का सपोर्ट कीजिए। अगर आप चैनल पहली बार वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ राइट साइड में एक लोगो देख सकते हो, लोगो पे क्लिक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, थम्सअप दीजिए, और कमेंट कीजिए, और मैक्सिमम शेयर कीजिए।
Till then, I'll come back with new videos, new stories. Keep watching Zero Studio. Bye-bye.